जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम मुहावरे से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में एक प्रश्न जो है पक्का देखने को मिलेगा। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों हम जो है अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आपको एक मुहावरा दे रखा है, आसमान पर चढ़ाना, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए, अत्यधिक अभिमान करना। बी, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। सी, बहुत शोर करना। डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। साथियों, अब हम जो है चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, इससे जो है हमारी क्लास छोटी होगी, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही हम प्रश्न पढ़ें आपको अपना आंसर जो है गैस कर लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारे जो है कितने प्रश्न सही गए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर दो। इसमें पूछा है आपसे आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, आँख की किरकिरी होना। तो आपको बता दें, आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना। क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न अगला, लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा? क्रोध करना, यानी कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध करना। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, सिर हथेली पर रखना। मुहावरे का अर्थ बताना है आपको सिर हथेली पर रखना। तो ऑप्शन आपके सामने, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या फिर ए का विसर्जन करना। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना, यानी कि सिर हथेली पर रखना। इस मुहावरे का अर्थ होगा मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर पाँच। इसमें आपसे पूछा है, अंतर के पट खोलने का अर्थ है, अंतर के पट खोलना। तो आपको बता दें, अंतर के पट खोलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सी, विवेक से काम लेना। क्या हो जाएगा? विवेक से काम लेना। नेक्स्ट है हमारा, अंगूठी का नगोना। तो आप जानते हैं, अंगूठी का नगोना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कीमती। क्या हो जाएगा? बहुत कीमती। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर सात, काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होने का अर्थ है, ए, काम ना करना। बी, काम समाप्त करना। सी, काम पूरा ना करना। डी आपको दे रखा है, काम ना जानना। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, काम ना जानना। क्या हो जाएगा? काम ना जानना। नेक्स्ट हमारा, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, या सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी बाग्मिता दिखाना। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जो है टॉप 60 प्रश्न लिए हैं। आपको जो है इन 60 प्रश्न में आप कितने प्रश्न कर पाते हैं अपने आप से, आपको जो है इनके आंसर पहले से ही गैस कर लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर हमारे इतने प्रश्न सही गए। इससे जो है आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा तस्य मस ना होने का अर्थ है, तस्य मस ना होना। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुनय विनय से ना पसीजना, अनुनय विनय से ना पसीजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा टांग अड़ाना, तो ये फेमस मुहावरा है टांग अड़ाना। आप जानते हैं जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपके आसपास बगल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपके काम में क्या करते हैं, टांग अड़ाने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोध पैदा करना, टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा है मुंह का निवाला, मुंह का निवाला करते, तो आप जानते हैं मुंह का निवाला करते हो जाएगा बहुत आसान काम। अगर कोई काम ऐसा है जो आपके मुंह के निवाले के बराबर है तो हम कह सकते हैं वो काम क्या है हमारे लिए, बहुत आसान है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा समुद्र मंथन करना, आपको बताना है समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ। तो आपको बता दें समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, क्या हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट हमारा खो देना के लिए सही मुहावरा है, इस बार आपको जो है मुहावरा बताना है जिसका अर्थ है खो देना। तो आप जानते हैं हाथ धोना, यानी हाथ धोना जो है ये इसका जो है सही मुहावरा हो जाएगा खो देना के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे पूछा है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना। तो आप जानते हैं जब आप किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं तो आप क्या करते हैं अपने सिर को उठाते हैं, तो इसका तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सिर उठाना, विरोध करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा सिर उठाना। नेक्स्ट हमारा बुरी तरह हारना, तो बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा मुंह की खाना, क्या हो जाएगा मुंह की खाना। तो बुरी तरह हारना मुहावरे का सही अर्थ होगा मुंह की खाना। अगला प्रश्न हमारा नाश कर देना, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, इस बार जो आपको इसका अर्थ दे रखा है नाश कर देना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो आप जानते हैं पानी फेर देना, क्या करना पानी फेर देना, तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नाश कर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारा अगर मगर करना का अर्थ है, तो अगर मगर करना आप जानते हैं एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं बहाने बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बहाने बना रहे हैं। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना, क्या बनाना बहाने। अगला प्रश्न हमारा अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, अग्नि परीक्षा देना, आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट हमारा छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, तो आप जानते हैं छाती पर मूंग दलना, तो आप जानते हैं छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना, यानी कि समीप रहकर क्या करना दुख देना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीर मारना का अर्थ है, आपको बताना है तीर मारना मुहावरे का अर्थ। तो आप जानते हैं तीर मारना एक तरीके से बड़ा काम करना, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बड़ा काम करना। नेक्स्ट है हमारा तेली का बैल होना का अर्थ है, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है तेली का बैल होना। तो आप जानते हैं तेली का बैल होना ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना, क्या करना बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा युद्ध में मृत्यु पाना, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है, यानी कि आप जब कोई व्यक्ति युद्ध में मृत्यु पाता है तो उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो आप जानते हैं काम आना, क्या होगा युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा काम आना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है।
यानी तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, इसके लिए आपको सही मुहावरा बताना है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से अन्न जल उठ जाना, क्या उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा तुम्हारे यहाँ रहने का क्या हो गया, संयोग समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना, क्या करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के री एग्जाम में आपको एड़ी चोटी का जो है जोर लगाना है, और इस बार आपको जो है वर्दी पक्का लेकर रहना है। फ्रेंड्स आपको बता दूं बहुत ही जल्द मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 की जो भर्ती हुई थी उसका एग्ज़ाम और 2015 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था। अपनी जो परीक्षा की एक तरीके से कहें जो तैयारी होती है लास्ट समय में कैसे की जाती है, ये आपसे मैं बहुत ही जल्द डिस्कस करूँगा। अगला प्रश्न हमारा, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए आपको सही मुहावरा बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं लुटिया डूब जाना, क्या हो जाएगा, लुटिया डूब जाना, बी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आँख का नीर यानी कि पानी ढल जाना, आँख का नीर पानी ढल जाने का अर्थ है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्लज्ज हो जाना, आँख का पानी ढल जाना मतलब एक तरीके से निर्लज्ज हो जाना। अगला प्रश्न हमारा, कान फूकना, कान फूकने का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या फिर दीक्षित करना। तो आपको ध्यान रखना है कान फूकने का अर्थ है दीक्षित करना, इसका राइट आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है, कच्चे घड़े पानी भरना। तो आपको ध्यान रखना है कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ हो जाएगा ठीक ढंग से काम ना करना, क्या हो जाएगा, ठीक ढंग से काम ना करना। अगला प्रश्न हमारा, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं छक्के छुड़ाना एक तरीके से किसी को क्या करना, हराना। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हराना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चांदी का ऐनक लगाना, क्या करना, चांदी का ऐनक लगाना। तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला प्रश्न है, दाम लगाना, तो दाम लगाने का अर्थ हो जाएगा एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसका मूल्य आंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूल्य आंक रहे हैं, यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्य आंकना। अगला प्रश्न हमारा, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंखें फेरना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जब भी आपको मुहावरा दिया हो और आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और जो मुहावरा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आपको जो है बहुत आराम से मुहावरे को जो है एक धैर्यपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। तो आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दिन को दिन और रात को रात ना समझ रहे हैं, यही आपको जो है उत्तर प्रदेश
पुलिस कांस्टेबल में करना है, सब आपका एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न हमारा पौ बारह होना। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो ये फेमस मुहावरा है, इसको आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाभ ही लाभ होना। पौ बारह होना मतलब लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का अर्थ क्या होगा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। क्या हो जाएगा, मीठी बातों से लज्जित करना। अगला प्रश्न हमारा रीढ़ टूटना का अर्थ है, आपको बताना है रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ। तो आप जानते हैं रीढ़ टूटना मतलब एक तरीके से निराश हो जाना। क्या हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा निराश हो जाना। अगला प्रश्न हमारा शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो आपको ध्यान रखना इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38, सुबह शाम करना। सुबह शाम करने का अर्थ है एक तरीके से टाल मटोल करना। क्या करना, टाल मटोल करना। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारा सूरत नज़र आना। सूरत नज़र आने का अर्थ है एक गुण प्रकट होना, बी वास्तविकता का पता चलना, सी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, डी उपाय सूझना। तो सूरत नज़र आना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा हाथ ऊंचा होना का अर्थ है, तो हाथ ऊंचा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दान आदि के लिए। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 प्रश्न और बचे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, तो बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी। अगला प्रश्न है अंगूठा चूमना का अर्थ है, तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका एक तरीके से खुशामद करना। क्या करना, खुशामद करना। अगला प्रश्न हमारा अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बहुत बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट है हमारा गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला प्रश्न हमारा चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है, आपको बताना है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना। क्या हो जाएगा, क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट हमारा जौहर खुलना का अर्थ है, आपको बताना है जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ। तो जौहर खुलना मतलब एक तरीके से भेद का पता लगना। क्या करना, भेद का पता लगना। अगला प्रश्न हमारा ढपोर शंख, आपको बताना है ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ। तो आपको ध्यान रखना है ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डी, बेवकूफ। क्या हो जाएगा, बेवकूफ। अगला है दिल पक जाना, तो दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक तरीके से क्या होना, अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा जो कि बहुत ही फेमस है और ये आप जो है 100% जानते होंगे, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होगा आप जानते हैं रफू चक्कर होना। क्या होना, रफू चक्कर होना। अगला प्रश्न हमारा नाक पर सुपारी तोड़ना, तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न हमारा पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना। तो आप जानते हैं पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी उम्र में ही क्या होना, बुद्धिमान होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न हमारा पानी पीकर
घर पूछना, पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला है व्यंगम दृष्टि का अर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है व्यंगम दृष्टि का अर्थ हो जाएगा सम्यक दृष्टि। क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न हमारा भयभीत होना, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। इस बार आपको जो अर्थ दे रखा है और आपको मुहावरा पूछा गया है कि भयभीत होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो आप जानते हैं कलेजे पर सांप लौटना। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भयभीत होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न हमारा किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है, तो आप जानते हैं ऑप्शन आपको दे रखे अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास ना बुझना, एक अनार सौ बीमार। तो ये भी आपका जो है फेमस मुहावरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊँट के मुंह में जीरा, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। अगला प्रश्न हमारा पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की खाली स्थान रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है, आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह उपयुक्त मुहावरा क्या आएगा। तो डाकुओं की क्या हो रही है? ऐसी तैसी हो रही है। पुलिस जब नाकेबंदी करती है तो डाकुओं की क्या हो जाएगी? ऐसी तैसी हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा पी। अगला प्रश्न हमारा आधा तीतर आधा वटेर का अर्थ है, आधा तीतर आधा वटेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना, इसका राइट आंसर होगा आपका डी। अगला प्रश्न हमारा गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा गूलर का फूल होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। राइट आंसर होगा इसका ए, कभी कभी दिखाई देना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा घाट घाट का पानी पीना, तो घाट घाट का पीना पानी जो है पीना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी होना, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है टिप्पस लगाना, तो टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका एक तरीके से सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने टॉप 60 प्रश्नों को कवर किया जो कि हमने मुहावरे से लिए। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है और आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।